हेलो स्टूडेंट आई दिलीप कुमार फ्रॉम एस एस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज के बारे में बात करेंगे टाइप ऑफ सी पी शेड्यूलिंग ठीक या फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग स्कीम्स देर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग स्कीम फर्स्ट इज अ प्रिमटिव शिडुलिंग एंड सेकेंड इज ए नॉन प्रिम्टिव शिडुलग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिमटिव शडुलिंग ठीक तो बच्चों प्रिम्टिव शिडुलग क्या होती है नॉन प्रिप्टिव शिडुलग क्या होती है नथिंग कुछ नहीं इसके अंदर थोड़ा सा बस डिफ्रेंसेस होता है मान लीजिए कोई प्रोसेस आता है हमारा सी पी यू के अंदर तो इन केस अगर किसी कारण से इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट हो या और किसी प्रायोरिटी uh, बेसिस कोई प्रोसेस आ गया बीच में या किसी कारण से वो हमारा प्रोसेस जो है वो दोबारा से रेडी क्यू में पहुंच जाए दैट मींस कि वो प्रोसेस सीपीयू से हट कर वो दोबारा से मेन मेमोरी में आ जाए और दूसरा कोई प्रोसेस हमारा सीपीयू को असाइन कर दिया जाए दैट इज़ अ प्रिमटिव शेड्यूलिंग ठीक बट इन अ नॉन प्रिमटिव शेड्यूलिंग इफ एक समय में अगर एक प्रोसेस हमारा सीपीयू को असाइन हो गया जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा वो प्रिंट नहीं होगा दैट इज नॉन प्रिमटिव शेड्यूलिंग ओके आप लोग समझ गए होंगे दोनों का आई थिंक मेरे ख्याल में क्या होता है प्रिमटिव और नॉन प्रिमटिव में फिर भी हम एक बार इसकी डेफिनेशन को बता देते हैं आपको देखिए प्रिंटिव में क्या कहते हैं इन दिस शेड्यूलर में प्रिंट ए लो प्रियोरिटी रनिंग प्रोसेस एनी टाइम वेन ए हाई प्रियोरिटी प्रोसेस एंटर इंटू अ रेडी स्टेट दैट मीन्स कि अगर रेडी स्टेट में कोई हाई प्रियोरिटी का प्रोसेस आ जाता है तो जो शेड्यूलर में जो प्रिम्ट हो रहा है हमारा उस, उस जो शेड्यूलर हमारा रनिंग में जो चल रहा है प्रोसेस वो क्या हो जाएगा वो प्रिम्प्ट हो जाएगा ठीक है ना और वो रेडी स्टेट में लौट जाएगा ठीक है ना दैट मीन्स ये नहीं कह सकता हम कि हाई प्रायोरिटी का आ जाए टाइम क्वांटम भी एक रीज़न हो सकता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी रीज़न हो सकता है और भी अदर अदर रीजन हो सकते हैं पेरीफिल डिवाइसिस भी रीजन हो सकता है हमारा कोई ठीक है ना तो ये प्रिमटिव के अंदर क्या है प्रिमट के अंदर क्या है कि कोई भी प्रोग्राम अगर वो स्टॉप होके वेट होता है सस्पेंड होता है किसी भी कारण से और दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट के लिए चला जाता है दैट इज कॉल्ड द प्रिमटिव शेड्यूलिंग अब प्रिमटिव शेड्यूलिंग में कैसे करेंगे उसकी भी टेक्निक बताएंगे आपको सेकेंड एक बात करते हैं नॉन प्रिम्टिव शेड्यूलिंग के अंदर तो इन दिस वंस अ प्रोसेस एंटर टू द रनिंग स्टेट दैट मीन रनिंग स्टेट मतलब सी पी यू के लिए एलोकेटेड हो गया कोई प्रोसेस इन दिस वंस अ प्रोसेस एंटर द रनिंग स्टेट इट कैन नॉट बी प्रिंटेड अंटिल इट कंप्लीट इस एलोकेशन टाइम जो उसे एलोकेशन टाइम मिला हुआ है जब तक कि वो एलोकेटेड टाइम में कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो प्रिंट नहीं करेगा दैट इज कॉल्ड द नॉन प्रिंटेड शेड्यूलिंग ठीक है ना देखिए प्रिमटिव और नॉन प्रिमटिव एलगोर्थम्स के अंदर हम बात करेंगे तो प्रिमटिव एलगोर्थम के बारे में जो हमारे पास एल्गोर्थम्स हैं वो एस आर टी एफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल आर टी एफ लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग प्रियोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग और नॉन प्रिमटिव की बात करेंगे हम एफ सी एफ एस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्ड एस जे एफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल जे एफ लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एच आर आर एन हाइस्ट रेस्पॉन्स रेसो नेक्स्ट राउंड रॉबिन जो प्रिम्टिव और नॉन प्रिमटिव दोनों में यूज होती है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग प्योरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग भी हमारी प्रिमटिव और नॉन प्रिमटिव दोनों में यूज होती है नेक्स्ट इज अ मल्टी लेवल फीडबैक क्यूइंग शेड्यूलिंग हम इन सभी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंस होंगे उन सब के बारे में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टर्मिनोलॉजी यूज इन शेड्यूलिंग एलकोर्थम कौन कौन से हम टर्मोलॉजी यूज़ करेंगे नेक्स्ट uh, टॉपिक हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू